हाँ, आपने क्या करना है, यहाँ से एडिट में जाना है, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर देना है। डिफाइन पैटर्न, जैसे ही पैटर्न पे क्लिक करूंगा तो ओके कर देना है, यहाँ से पैटर्न बन जाएगा इसका। अब मुझे कहीं पे अप्लाई करना है, फाइल पे गए, न्यू फाइल ली, और यहाँ मैंने कोई साइज डाल दिया, यहाँ पे पिक्सल्स में इतना कुछ साइज डाल देते हैं इक्वली। और क्रिएट कर दिया हमने यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो पैटर्न अप्लाई करना है। तो पैटर्न अप्लाई करने के लिए आपको एडिट में जाना है, यहाँ पे फिल पे जाना है, और यहाँ पे देखो पैटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। आप अगर ये पैटर्न चूज करोगे ऐसे और ओके कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक ना क्या करना, नई लेयर ले लेना ऐसे सिलेक्शन बनाने के बाद। एडिट के अंदर जाना, एडिट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा फिल। फिल के अंदर ऑप्शन है, ठीक है, इसे हटा दो, इसे अनचेक कर लो पहले, और हमने क्रिएट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका पैटर्न बन गया। देखो ये ऐसे पैटर्न बन गया, मतलब काफी सारे नोट इस तरीके से आ गए, ठीक है। यानी जिस साइज का आप सेट करोगे उस साइज का ये हमारा हो जाएगा। सर वो तो हमें मेल सेट करना पड़ेगा ना पहले, जो ये नोट हाँ, ये वगैरह। जिसका जिस साइज का पैटर्न बनाओगे ना, जैसे मैं अभी दोबारा बनाता हूँ, डिफाइन पैटर्न और ओके कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए एडिट में जाना है, फिल में जाना है, पैटर्न चूज करना है अपना वाला। तो ये लास्ट वाला पैटर्न हमारा ये हो गया, और ओके कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से सेट हो गया। ये आ गया समझ में, तो पैटर्न हमारा ऐसे बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। इस तरीके से हम पैटर्न बना सकते हैं, और पैटर्न के भी अलग अलग ऑप्शन है। आप एडिट में जाना, फिल में जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करा हमने, एक ऑप्शन आएगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट पे जाके मैंने क्या करा, ब्रिक्स वाला लिया। अब ऐसे क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक ऑप्शन और आएगा कि आपको कैसे ब्रिक्स रखनी है, आप ऐसे सेट कर लो, यहाँ से ऐसे बढ़ा लो। तो देखो क्या हो गया, पैटर्न स्पेसिंग आ गई है इनके बीच में, ठीक है। तो आप ऐसे स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, और ओके करा मैंने। तो अब देखो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से आ गया, ब्रिक्स जैसी शेप आ गई यहाँ पे। तो आप लाइक कोई ब्रिक्स भी बना सकते हो इससे। फिर से अप्लाई करते हैं, यहाँ मैं ब्रिक्स वाला ना लेके ना, मैं ये लेके चल रहा हूँ रैंडम फिल। मैंने रैंडम फिल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखो ये ऐसे कुछ शेप आ जाएगी, ठीक है, और ओके कर दिया मैंने। तो ये देखो पैसे कुछ इस तरीके से रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे समझ में। दोबारा से करते हैं एक बारी, एडिट में गए, फिर से फिल अप्लाई किया मैंने, और फिर से मैंने ओके कर दिया। फिर ये देखो जो जगह खाली बची है वो भी फिलअप हो जाएगी, ये देखो, ठीक है, आया समझ में। तो लाइक देखो हमारा क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, पैटर्न ये इस तरीके पैसे रखे आ गए, ठीक है। तो लाइक आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज का पैटर्न बना सकते हो ऐसे। फिर से दोबारा अप्लाई करके देखते हैं, एडिट, एडिट के अंदर गए, फिल, फिल में जाने के बाद ओके। तो ये देखो दोबारा से क्या हो गया, ओके कर दिया, ये पूरा फिलअप हो गया इस तरीके से। इतने बड़े नोट रखने आपने, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा बन गया। तो इस तरीके से लाइक हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट हमारे ऐसे आ गए, आ गए समझ में। तो लाइक हम किसी भी चीज़ का पैटर्न बना सकते हैं। अगर मेरे पास कोई, अच्छा देखो पैटर्न दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीमलेस पैटर्न। सीमलेस पैटर्न में क्या करना होता है, हमें हमें साइज जो रखना होता है वो लाइक 200 प्लस 200 और 300 हमने रेजोल्यूशन रख ली, इतना हमने साइज रख लिया इसका। 200 भी ना करके आप 300 रख लेना इमेज में साइज 300, क्योंकि 300 जो होता है वो 1 इंच के बराबर होता है। अगर आप इसे पिक्सल की जगह इंच चेक करोगे तो ये 1 इंच के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 इंच का हमने क्या करा, ये रेक्टेंगल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और एक मैं फ्लावर ले लेता हूँ, इमेजेस में जाते हैं, और कौन सा फ्लावर ले लेते हैं, ये वाला फ्लावर ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया ऐसे, ये ऐसे रख लिया इस तरीके से। अब चलो ये हमने ऐसे सेट कर लिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एडिट के अंदर जाएंगे, डिफाइन पैटर्न। एडिट के अंदर जाने के बाद डिफाइन पैटर्न कहाँ लिखा रहा है, ये आ रहा, और ओके कर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इतना करने के बाद अच्छा सॉरी, अभी ऐसे मत करना पैटर्न, ये तो बिल्कुल फ्लैट पैटर्न बन जाएगा। आपको ना इसे छोटा कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब अपना एडिट के अंदर जाना, सॉरी फिल्टर के अंदर जाना, फिल्टर में अदर का ऑप्शन आएगा। अदर में जाने के बाद आपको ऑफसेट में जाना है और इसे 150 150 कर देना है, मतलब हाफ कर देना है। तो ये पैटर्न जो है वो चार पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, होली लोगो सर्च कर लेते हैं। अदर में जाने के बाद आपको ऑफसेट पाथ पे क्लिक करना है। चलो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसमें ये लिख लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी इमेज, इसको मैंने क्या करा, मैजिक पेन टूल लिया, चलो ऐसे सेट कर लिया, सिंगल कलर पिक करता है ये, बस समझो ये सिंगल कलर की होती है। इसको मैंने यहाँ रख लिया। अब एडिट में गए, डिफाइन पैटर्न कर लिया इसको, मतलब हमने क्या करा, इसका पैटर्न बना दिया। तो ये पैटर्न बन गया हमारे पास। अब अप्लाई करके देखना है मुझे। फाइल में गए, न्यू फाइल ली, और इसका साइज मैंने रख लिया कितना, 1200 × 1200। और फिर एडिट में जाते हैं, फिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से मैंने क्या करा, इसमें चूज किया अभी वाला पैटर्न, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसे मैंने हटा दिया और ओके कर दिया। तो देखो क्या हो गया हमारा, इस तरीके से पैटर्न बन गया, जो हमने ऐसे अलग अलग डिवाइड किया था वो पूरा एक जॉइंट होके आ गया है, समझ में। तो आप इस तरीके से पैटर्न बना सकते हो। तो अगर किसी को ना बैकड्रॉप डिजाइन करनी है तो उसके बहुत काम आता है ये। बैकड्रॉप क्या होती है, ये बैकड्रॉप होती है ये, ठीक है, इसको बैकड्रॉप बोलते हैं। अगर किसी को बैकड्रॉप बनानी होती है तो उसमें हम ये यूज करते हैं, ये रे बैकड्रॉप के लिए, तो इनको बैकड्रॉप बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज बनाने के लिए आप इसका यूज करते हो, आगे समझ में। तो लाइक दो तीन चीजें, हाँ आप चार पांच चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला, है ना। अगर आपको बीच में कुछ और ऐड करना है तो आप यहाँ पे, जैसे मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, इसी को मैंने उठा के क्या करा, यहाँ रख दिया ऐसे। इसका कलर मैं कुछ और रख लेता हूँ, इसका कलर मैंने यहाँ पे रेड दे दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। एडिट के अंदर गए, डिफाइन पैटर्न, और ओके कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट में गए, फिल पैटर्न क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखो हमारा तीन चार चीजें हम एक साथ सेट कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ सर, अगर ऑड इवन पैटर्न फिल करना हो तो क्या चाहिए, अगर ऑड इवन मतलब पैटर्न फिल करना हो तो अलग कितने भी पैटर्न लगा सकते हैं, जैसे कि एक मतलब जैसे ब्लू वाइट। हाँ, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं एक सेकंड में आपको ना कोई और उसके नाम से दे देता हूँ। हाय
लाइक आप कितने भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे आपको लाइक और बनाना है, यहाँ पे मैंने इसी की कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसको आपने ऐसे सेट कर लिया ऐसे, और यहाँ से हमने एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर दिया। अप्लाई करते हैं, और चूज कर लेते हैं यहाँ पे, और ओके कर दिया। ठीक है, तो देखो हमारे पास इस तरीके से क्या हो गया, ऐसे डिजाइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, तो हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास मान लीजिए, यानी जैसे वो नहीं होते पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के ऊपर जो डिज़ाइन लगते हैं, हम इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन बना के डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा डिजाइन जो है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो बन गया, समझ में आया ना आपको, तो इस तरीके से हम ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा एक पर्टिकुलर डिजाइन बन गया ऐसे। ठीक है, जो हमें कंटेंट डालना होगा वो हम इस तरीके से नीचे कंटेंट ऐसे डाल लेंगे, तो ये काफी काम आता है। सेकंड, आप इसे कपड़ों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपने कोई पैटर्न बना रखा है और आपको कपड़ों के ऊपर अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे शर्ट्स ले लेते हैं कुछ है। ठीक है, मुझे इसके ऊपर क्या करना है, पैटर्न अप्लाई करना है। कॉपी, नई फाइल, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पैटर्न अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया हमने, और नई लेयर ले लेते हैं, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पैटर्न अप्लाई कर देते हैं। एडिट में गए, फिल, और यहाँ पे हमने क्या करा, पैटर्न अप्लाई कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ गया, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मोड कर देंगे, मल्टीप्लाई मोड लगा दिया। तो इस तरीके से हम ऐसे पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कपड़ों के ऊपर पैटर्न लगाने, तो कपड़ों के ऊपर ही पैटर्न लग जाते हैं। अगर आप चाहते हो इसकी जो डिज़ाइनिंग है कपड़ों के पैटर्न की, तो वो बिल्कुल उसी के हिसाब से हो जाए, तो वो भी ऑप्शन है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना पहले इस इमेज को सेव कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव ऑन योर कंप्यूटर, यहाँ पे कहीं पे भी सेव कर लेना, डॉक्यूमेंट में जाके सूट के नाम से मैंने सेव कर लिया। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये यहाँ पे पैटर्न अप्लाई करना है। तो पैटर्न अप्लाई करने के लिए आपको जाना है, आप सूट कर लिया आपने सेव, आपने अब क्या करना है, इस वाली लेयर को ऑन करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर, यहाँ पे ऑप्शन है डिस्टॉर्ट, और यहाँ डिस्प्लेस, डिस्प्लेस पे आपको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। और यहाँ पे आपने जो अभी बनाई थी ना, कहाँ रखी थी हमने, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में किस नाम से, सूट के नाम से जो फाइल हमने बनाई थी ना, वो ले लेनी है। नहीं आता, हाँ ये रही, इस पर क्लिक करके आपने ओपन कर देना है, तो उसकी जो सेटिंग हो जाएगी ना थोड़ी, उसी हिसाब से कर्व देखो यहाँ पे, उसी हिसाब से होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से कर्व हो जाएगी, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। एक ऑप्शन और है, आप ना फिल्टर में जाके लिक्विफाई कर सकते हो, लिक्विफाई का ऑप्शन है,
हेलो हेलो, हाँ आ रहे हो क्या आप? हेलो हेलो, एक सेकंड, कौन बोल रहे हो? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर, एक सेकंड, क्या नाम था उसका? योगेश, ठीक है, समझ में आ गया ना इस तरीके से? तो आप ऐसे सेट कर सकते हो, ये हमारा बन गया और ओके कर दिया, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी। तो आप इस तरीके से पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज अपने पैटर्न डिज़ाइन करने, इस तरीके से पैकेजिंग बनानी है, ठीक है? दिवाली की सर्च करना गूगल पे, होली पैकेजिंग या दिवाली पैकेजिंग। तो आज इस तरीके से आपने पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है, जो रिपीटेशन वाले बैकग्राउंड होते हैं ना, जैसे ये हो गए, ये रिपीटेशन वाले हो गए, कोई चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है? ये ऐसे बैकग्राउंड बन जाते हैं ये वाले, आपने एक डिज़ाइन बना लिया, वो अपने आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इस तरीके के बैकग्राउंड हो गए, जैसे लाइंस हो गई, ठीक है? इस तरीके के पैटर्न हमें क्रिएट करने हैं, तो आज इसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है? इस तरीके के बैकग्राउंड तो ये लेके चलो। जैसे होली का आ रहा है ना, आपने क्या करना है, होली के लिए ना गुलाल की ना एक पैकेजिंग बनानी है। ये डिज़ाइन करनी है आपने ऐसे, उसमें पैटर्न का यूज़ करना है, मतलब कुछ चीज़ क्या हो, कंटिन्यूस रिपीट हो। आपको छोटे से साइज़ पे पैटर्न क्रिएट करना है, बड़े साइज़ पे जाके अप्लाई कर देना है, ठीक है? तो ये सेट करो आज, इसमें यूज़ कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं पूरे सेक्शन में आपको अप्लाई करना है, जैसे आपको हाफ स्क्रीन पे चाहिए तो आप क्या करना, हाफ स्क्रीन का ऐसे सिलेक्शन करना और एडिट के अंदर जाना, फिल में जाना और पैटर्न पे क्लिक करना, यहाँ से चूज कर लेना पैटर्न, ये पैटर्न चूज कर लिया और ओके कर देना, ठीक है? हाफ स्क्रीन में ही आ जाएगा, ठीक है? बस इतना सेट कर।